वेलकम टू माय किचन। आज हम कोसला चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। उसको मैं गोल गोल काट रही हूँ ग्लास की मदद से। आप चाहें तो पूरा ब्रेड स्लाइस इस्तेमाल करें, काटे नहीं, पर मैं खूबसूरत दिखने के लिए मैं काट रही हूँ। आप बिना कटिंग करके पूरा स्क्वायर ब्रेड स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। और बचे हुए जो ब्रेड्स के कॉर्नर हैं उससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या ब्रेड उपमा। अब इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बटर लगाएंगे एक साइड पे, तो मैं हाथों से लगा देती हूँ, हाथ साफ हैं, चम्मच से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जिस साइड से हम बटर लगा रहे हैं ना, उसी साइड से हम इसे कुक करेंगे पहले फ्राइंग पैन में। तो ये मैंने बटर लगा लिया, इस तरह अच्छे से बटर लगाएं ताकि गोल्डन ब्राउन फ्राई हो। तीनों पे मैंने बटर लगा लिया है। चलते हैं अब हम इसे पकाने की तरफ। तो बटर वाली साइड नीचे रखें और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करें। फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पे इसे पकने दें। तो इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून मेयोनीज। निकल ही नहीं रही, निकल निकल। 1 टेबल स्पून मेयोनीज डाल दी मैंने इसमें, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे आर्गेनो। 1/4 टीस्पून आर्गेनो डाल दें। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, तीनों ही 3 टेबल स्पून है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, टमाटर के बीज हटा दें, सिर्फ स्किन इस्तेमाल करें, खाल इस्तेमाल करें टमाटर की। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर तीनों मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज और सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो ये रही हमारी कोलसला की स्टफिंग। कोलसला बनकर तैयार है और ब्रेड भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई हैं। ब्रेड को पलट दें और अब हम इस साइड पे भी बटर लगाएंगे। तो इस साइड पे भी बटर लगाएं, बटर से अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में। बटर लगाने के बाद बटर को ब्रेड को पलट दें ताकि ये नीचे साइड हम पकाएंगे। मैं जल्दबाजी में ऐसे नीचे करना भूल गई, तो इसीलिए मैंने बाद में ब्रेड को माइक्रोवेव करके चीज़ मेल्ट की थी। तो नीचे कर दें बटर वाली साइड और दूसरी साइड पे ये शेज़वान चटनी लगाएं 1 टीस्पून। मैं इसी साइड पे लगा रही हूँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो ये शेज़वान चटनी नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, वो भी नहीं है तो केचप लगा दें। तो इस पे अच्छे से हम शेज़वान चटनी लगा देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। चीज़ हम 2 दफ़ा डालेंगे क्योंकि हम चीज़ का सैंडविच बना रहे हैं। तो नीचे भी चीज़, ऊपर भी चीज़। ब्रेड के ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएं, 2-2 टेबल स्पून जितनी लगाएं अच्छे से। और इसे प्रेस कर दें ब्रेड में ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कोलसला। कोलसला हाथों से ही लगा देती हूँ, ऐसे गिर रहा है तो। कोलसला सेट कर दें, ये देखें गिर गया। तो मैं इसे उठा के आराम से सेट कर लेती हूँ। ये मैंने कोलसला डाल दिया है इसके ऊपर। तो दूसरे भी ब्लू कोलसला लें और चीज़ के ऊपर अच्छे से लगा लें। तो ये मैंने लगा लिया। अब हम दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ डाल दें इसके ऊपर, ज़्यादा चीज़ डालें उससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओलिव्स और जलपिनो, मर्ज़ी है दोनों लगाएं या एक लगाएं। तो मैं ओलिव्स लगा लेती हूँ तीनों पे। ओलिव्स और जलपिनो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएंगे, डब बॉटल में आते हैं। तो अब हम इसे पकाएंगे। तो ध्यान रहे जो हमने दूसरी साइड बटर वाली लगाई थी वो नीचे रखिएगा आप, ताकि पकने में इसको टाइम लगे, तब तक चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और हम ढकने पे टिश्यू पेपर लगाएंगे जो होल होता है, ताकि स्टीम बाहर नहीं निकले और अच्छे से मेल्ट हो जाए चीज़। मैंने इसे निकाल के माइक्रोवेव ओवन में 40 सेकंड के लिए पकाया था माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि मेरी नीचे साइड गोल्डन ब्राउन है तो जल जाएगा पिज़्ज़ा, इसीलिए इसे ढक दिया मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए। और फिर 40 सेकंड के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज मैटर लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉच।